ओ भाई साहब, ये देखो, ये है किलोंग का पुल, वो नया वाला बन रहा है और ये पुराना वाला है। ये भाई वाटरफॉल यहाँ का मस्त होता है, और वैसे ही यहाँ पे ऑफ रोड भी मस्त होता है। ये मैं पिछले 5-6 साल में जितने बार भी आया हूँ यहाँ पे, हर बार सेम स्थिति होता है। हाँ, बट होपफुली ये पुल बनने के बाद ये दिक्कत ना हो। और यहाँ पे चिक्कर बहुत है और बाइक स्किड कर रही है हल्की हल्की, तो मुझे थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा गाइस। और लैंडस्लाइड इधर भी होते ही रहते हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कहीं पे मिट्टी कुछ ऐसे है, तो इस चक्कर में बाकी रोड मस्त है। कहीं कहीं पे बह गए हैं रोड काफ़ी ज़्यादा ही। सो अभी सेकेंड प्रायोरिटी ये है आज की, फर्स्ट प्रायोरिटी हमने कर ली, फ्यूल डलवाना था। सेकेंड प्रायोरिटी ये है कि हम मैकेनिक से मिलेंगे, अपने हैं उस्ताद जी, बहुत पुराने मित्र किलोंग में। तो अभी आई थिंक पहुंच ही गया हूँ मैं, थोड़ा सा पास, थोड़ा सा दूर रह गया उनका शॉप। और भाई साहब ये है किलोंग, मैं फर्स्ट टाइम, हम भाई लोग आए थे यहाँ पे साच पास करते हुए रिटर्न बैक। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, अगर किसी को वन नाइट और टू नाइट यहाँ पे स्टे करना हो। ये पेट्रोल पंप है यहाँ का, और ये लोग रुके नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। शॉप आ गए हैं। हाँ भाई साहब, वो ऊपर पहाड़ पे स्नो, ये बात सबसे बड़ा ग्लेशियर दिखा अभी तक का। जय हिंद सर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये, मज़ा आता है यहाँ पे स्टे करने में। फैमिली वगैरह के साथ आ सकते हैं आप चाहे कोई तो, प्लान कर सकते हैं। और अगर आप इस रोड के थ्रू से कहीं जा रहे हैं तो भी आप स्टे कर सकते हैं। अपनी जनता आ चुकी है यहाँ पे। उस्ताद बंद है पे है इसकी आँख, उस्ताद बंद कैसे है? उस्ताद जी को फ़ोन करता हूँ फिर बात करता हूँ। रवि भाई कौन है? रवि भाई मेरा फिल्टर तो ठीक है ना? रवि भाई कैसे हैं आप? मैं किशन हूँ चंडीगढ़ से। वो सामने एक है ना शॉप, ये अपना मैकेनिक का AKTM वाले भैया जो है उस्ताद जी, उन्होंने भेजा था आपके पास। ये बाइक एक बार चेक कर लीजिए ना। हाँ, उन्होंने बोला आपके पास जाने के लिए। अच्छा, बाइक का नहीं पता। और वो आगे जो है, एक आगे जो मैकेनिक है एक, ठीक है, ये कह रहे हैं बाइक का नहीं होगा यहाँ पे। यार राम्या, ये कह रहे हैं बाइक में चेक नहीं करता, उसी से पूछ लेते हैं एक बार फिर। यहाँ पे नहीं करता। हाँ, ये कह रहा बाइक में नहीं करता, पता नहीं मना कर रहा, बाइक तो लगी हुई है। वो अगले उस्ताद ने भी मेरे को वहीं पे भेजा। अगला स्टॉप कितने किलोमीटर है? अगला तो पदुम में है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 200। इसमें दिक्कत क्या आ रही है एग्जैक्टली? मतलब ऐसा लग रहा है कि मुश्किल से चल रहे हैं। पिकअप कम है ना, मतलब हर बार स्मूथ होता है। हाँ, कल से पता नहीं इंजन ऑफ हो रहा है बीच में। और अगर वही कार्बोरेटर एक बार यहीं पे चेक करवाते हैं, इससे बात करते हैं, ठीक है? समझ गया, पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है, कार्बोरेटर का इशू होगा, चेक करवा लेते हैं एक बार। सो एक बार उसी मैकेनिक से पूछता हूँ, इसका तो रेफरेंस दिया था, एक गधे ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। यार यही दिक्कत हो जाती है,
राइट में GoPro स्टॉप द रिकॉर्डिंग। भाई साहब लैंडस्लाइड, पेड़ पूड़ सब उखड़ गए हैं, साइड से बाइक हमारी निकलेगी नहीं, स्पेस नहीं है इतना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा ट्रक अगर आगे कर लेते तो हम निकल जाते ना। भाई साहब कितना देर रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हमने रामिया की बाइक ठीक करने के लिए मैकेनिक से बात करी, फिर सेट की कुछ ठंड की वजह से हो रही थी बंद, और पिकअप का जो इशू हो रहा है वो हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा हो पानी की वजह से, तो ये रीज़न उन्होंने बताया। अपार्ट फ्रॉम बोला है कि चल जाएगी, तो जस्ट एक पॉजिटिव थिंक लेके चल रहा हूँ, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आगे मैं चेक करवा दूँगा, अपने मैकेनिक्स हैं काफ़ी सारे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के लिए।